Yes, hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about the web series called The Witcher Season 2. Iska Season 1 मैंने already काफी अच्छे तरीके से explain करके अपने channel पर upload कर रखा है. और आज मैं start करने वाला हूँ iska Season 2. Well, जो लोग भी अभी तक The Witcher के यूनिवर्स से रूबरू नहीं हुए हैं, उन्हें मैं पुराने वाले सीजन का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। बेसिकली ये पूरी विचर सीरीज रिविया के गैरोल्ट नाम के एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है। इसे एक म्यूटेंट भी कहा जा सकता है, यानी कि ये है तो एक इंसान मगर इसके पास में कुछ अलौकिक शक्तियां होती है जो की इसे वैम्पायर्स, ब्लड सकिंग क्रीचर्स, एंटी विचर्स और साथ ही बिग जायंट्स को मारने में हेल्प करती है। बेसिकली गैरोल्ट का काम होता है इंसानों से इन सभी दैत्यों का पीछा छुड़वाना, जिसके बदले वो इनसे अपने काम का मुआवजा लेता है। इसी बीच गैरोल्ट को अपनी जर्नी में येनेफर नाम की एक लड़की मिलती है जो की एक जादूगरनी होती है, जहाँ पर इन दोनों को ही प्यार हो जाता है। मगर उसका असली मकसद तो सीरी नाम की एक लड़की को ढूंढना था, जिसको आप अनफॉर्चुनेटली उसकी बेटी भी कह सकते हैं। अगर सीरी की बात करी जाए तो उसके पास भी कुछ मैजिकल पावर्स थी, जिसमें था भविष्य देखना और साथ ही एक जोर की चिल्लाहट भर से बहुत बड़े भूकंप को ला देना। इस वक्त सीरी की जान खतरे में होती है क्योंकि उसके ऊपर निल्फ गार्डियंस ने हमला कर दिया था और गैरोल्ट का मिशन था उसे बचाना। फर्स्ट सीजन की एंडिंग में गैरोल्ट ने सीरी को ढूंढ लिया था, वही येनेफर ने निल्फ गार्डियंस को बाकी दूसरे देशों पर हमला करने से रोकने के लिए एक बड़ी सी आग झुलसा दिया था। और यहीं से सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम एक छोटी सी फैमिली को एक जंगल से गुजरते हुए देखते हैं, जिनमें था एक व्यापारी, उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी। इस शख्स का नाम था पीट। अपनी घोड़ा घड़ी से आगे बढ़ते वक्त पीट को एक छोटा सा गांव दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर जाकर वो लोगों से मदद मांगता है और कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ में एक रात यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। मगर काफी चिल्लाने के बावजूद भी उसे कोई जवाब नहीं देता, यहाँ तक कि वो ये भी कह देता है कि मैं एक रात रुकने के लिए पैसे भी दे सकता हूँ, मगर फिर भी उसे कोई जवाब नहीं देता। पूरा गाँव सुनसान पड़ा था, तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आकर पीट की बीवी को उड़ा ले जाता है। उसकी बेटी ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तभी हम देखते हैं कि ऊपर से उसकी बीवी की लाश जमीन पर गिरती है, जिसके बाद बारी आती है पीट की और वो मॉन्स्टर उसे भी जान से मार डालता है। और ऐसा करने के बाद में अब बारी आती है उसकी बेटी की, जिसके बाद वो उसे भी उड़ा कर ले जाता है। इससे हम व्यूअर्स को ये बात तो समझ में आ गई थी कि वो ताकतवर होने के साथ साथ उड़ भी सकता है और उसके पंजे जानलेवा हैं। इसी कहानी के बीच में मैं आपको एक और कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है एक बुक समरी, जिसका नाम है द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। इसे आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए, जो कि अवेलेबल है ऑन कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप इंडिया के सबसे बड़े और साथ ही लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिस पर करीब 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल, बायोग्राफी, हॉरर, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, कॉमेडी, सोशल, कल्चर, धार्मिक और साथ ही ऐसे कई अलग अलग जॉनरा में ये कंटेंट मिलेगा, जो कि एक ऑडियो बुक के रूप में, जैसे कि आप अपने खाली टाइम में या फिर अपने बिजी शेड्यूल में काम करते करते भी सुन सकते हैं, और वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में। यहाँ तक कि ऑडियो बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कुकू एफएम ऐप पर आप भारतीय संस्कृति और साथ ही धार्मिक चीजों से भी रिलेटेड काफी जानकारियां ले सकते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, चाणक्य नीति एंड एक्सेट्रा। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट दिस ऐप इज मेड इन इंडिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप इस कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं तो पहले के जो 250 यूजर्स होंगे उन्हें मेरी तरफ से कुकू एफएम ऐप के सब्सक्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जो सब्सक्रिप्शन 399 का है वो आपको 199 में ही मिल जाएगा। और या फिर अगर आप इसे ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है दी बैटल ऑफ स्वाडन हिल में, जहां पर येनेफर ने अपने केओस की मदद से आग लगाकर सभी निल्फ गार्डियंस को झुलसा दिया था। यहाँ पर हजारों की तादाद में लाशें पड़ी थी। यहाँ पर हम विलफोर्ड को देखते हैं, जो कि घायल हुए सैनिकों को जान से मार रहा था क्योंकि वो दुश्मन थे। वहीं पर टेसिया मरे हुए सैनिकों के ऊपर हाथ रखकर अपने मैजिक की मदद से ये जानने की कोशिश करती है कि क्या येनेफर जिंदा है या फिर मर गई, क्योंकि कल रात उसने जिस लेवल का मैजिक किया था वो सचमुच अपरंपार था, यानी कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया था। मगर उनकी यादों में तो सिर्फ यही था कि उसे किस दुश्मन ने मारा। येनेफर का वहां पर कोई नामोनिशान नहीं था। तभी पीछे से विल्गोफोर्ट आता है और उसे कहता है शायद ही येनेफर जिंदा बची हो, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में उनकी तरफ से सिर्फ 4000 सैनिक मारे गए, जबकि निल्फ गार्डियंस की तादाद करीब 20,000 से ज्यादा थी। तभी टिसेया की नजर धुंध पर जाती है और वहां पर से उसे गैरोल्ट और सीरी आते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहां सीरी गैरोल्ट के घोड़े रोच पर बैठी थी। गैरोल्ट आकर टिसेया से येनेफर के बारे में पूछता है,
है, लेकिन वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो बताता है कि मैं येनेफर को जानता था, हम दोनों के बीच में आपसी संबंध थे। जहाँ पर टिसेया उसे बताती है कि निल्फगार्डियन की लड़ाई में उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, मगर जाते वक्त गेराल्ट उसे ये कहकर जाता है कि येनेफर की जिंदगी इस लड़ाई से कहीं ज्यादा कीमती थी। जिसके बाद आगे चलकर वो एक जगह पर रुककर ठहरने का इंतजाम करते हैं। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि सीरी को सोते वक्त अपने सपने में बुरी बुरी चीजें दिखाई देने लगती है। ये सारी बातें उसे परेशान कर रही थी, इसलिए वो जग जाती है। गेराल्ट उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्या देखा, तो सीरी उसे बताती है कि उसकी होम कंट्री यानी कि सिंट्रा पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तभी वो सीरी को एक बैक स्टोरी बताता है कि एक बार उसने उसके पिता की भी जान बचाई थी, बदले में उसने लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा जिसमें मुझे तुम मिली। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है स्वार्डन हिल के एक कैसल में, जहां पर घायल सैनिकों को लाया जाता है। वहां पर हम ट्रेस को देख पाते हैं जो कि खुद भी एक जादूगरनी होती है। उस भयानक जंग में वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। तभी वहां पर विल्गोफोर्ड, टिसे और साथी आर्टिस्ट मिलकर अपने जादू से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आरटीएस फ्रिंजिला का अंकल था जो कि इस वक्त नेल्फ गार्डियंस को लीड कर रही थी। यहाँ पर इन तीनों के बीच में ये डिस्कशन होता है कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि नेल्फ गार्डियंस अपनी कल की हार के बाद में चुप कहाँ रहने वाले हैं। जहाँ पर टिसेया उन्हें ये कहती है कि वो जाकर पता करेगी कि आखिर उनके प्लान्स क्या हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है येनेफर पर, जिसे कि इस वक्त फ्रिंजिला और उसके सिपाहियों ने बंदी बना लिया था। वहीं गेराल्ट सीरी को ये बताता है कि वो उसे कैर मुरैन लेकर जाएगा। रिप्लाई में सीरी कहती है कि उसने आज तक इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना। तो गेराल्ट कहता है कि वो जगह है जहाँ पर उसी की तरह के विचर्स रहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये उनका ट्रेनिंग कैंप होता है, जहाँ पर ये अपने आप को डेवलप करके अपनी स्किल्स को और बढ़ाते हैं और फिर आम इंसानों को दैत्यों से बचाते हैं। तभी गेराल्ट को अपने सामने एक जानवर की लाश पड़ी दिखती है और ये सब कुछ देखकर उसका घोड़ा रोच भी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। ये सब कुछ देखकर गेराल्ट को ये अंदाजा तो लग जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद वो फुर्ती में सीरी को लेकर वहां से निकल जाता है, मगर कुछ ही देर में रात हो जाती है और इनके सामने वही गाँव आता है जहाँ पर हमने इस एपिसोड की स्टार्टिंग देखी थी। उस गाँव के इतने गहरे सन्नाटे को देख कर गेराल्ट समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर यहीं पर है। उसके बाद वो सीरी से कहता है कि वो लोग अपने दोस्त के घर पर रुकेंगे जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए ये लोग एक बड़ी सी हवेली के पास पहुँचते हैं, मगर हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसके गेट फड़फड़ाने लगते हैं। और तभी अचानक से एक सुअर के फेस वाला क्रीचर गेराल्ट पर हमला कर देता है। इसका नाम होता है नेवलिन और यही गेराल्ट का दोस्त होता है। बेसिकली उसे ये लग रहा था कि यहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने एंट्री कर ली है, मगर वो तो गेराल्ट निकलता है। यहाँ पर सीरी उसे कहती है कि काफी दिन हो गए मैं नहा ही नहीं हूँ, मुझे नहाना है। तभी वहां पर नेवलिन जादू से बाथटब नीचे ले आता है और साथ ही वो अपने मैजिक से पूरी हवेली की लाइट्स ऑन कर देता है। वेल, लाइट तो होती नहीं थी, कैंडल ऑन कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें डिनर पर इनवाइट करता है। अब यहाँ पर डिनर के साथ साथ इनके बीच में बातचीत भी होने लगती है, जहाँ पर नेवलिन ये बताता है कि वो किस तरीके से गेराल्ट से मिला था। हुआ ये था कि एक बार उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर लगा था, जिससे कि गेराल्ट ने उसकी जान बचाई थी। मगर तभी गेराल्ट बीच में बोल पड़ता है कि वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया, जब लास्ट टाइम देखा था तब तो तुम एक इंसान थे, तो अभी ऐसे कैसे हो गए। तो रिप्लाई में नेवलिन बताता है कि उसने एक मंदिर में लगी मशरूम की फसल को तबाह कर दिया था, इसी वजह से वहां की पुजारन ने उसे श्राप दे दिया और इसी वजह से आज मेरा ये हाल है। वो ये भी बताता है कि जिंदगी से वो ऊब चुका था, इसलिए उसने जान देने की कोशिश भी करी, मगर उसकी श्राप की वजह से वो अगेन जिंदा हो गया था। तभी सीरी को ऊपर छत पर से कुछ आवाजें आने लगती है, तो रिप्लाई में नेवलिन कहता है कि वो तो सिर्फ उसकी बिल्ली है। वहीं सीन शिफ्ट होता है येनेफर पर, जो कि इस वक्त फ्रिंजिला से बात कर रही होती है कि अब हो सके तो वो निल्फ गार्डियंस का सपोर्ट करना बंद कर दे, वो लोग तो बस सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उनका काम निकल जाएगा तो तुम्हें एक चाय में डूबी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेंगे। जिसके बाद नेवलिन सीरी को उसका कमरा दिखाता है, जिस पर सीरी कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, मॉन्स्टर तो वो लोग थे जिन्होंने उसके घर में आग लगाई थी और उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया था। वहीं गेराल्ट उस हवेली के बाहर खड़ा होकर चौकीदारी करने लगता है, क्योंकि उससे बाहर एक क्रीचर के पैरों के निशान मिले थे। जिसके बाद वो हवेली में जाता है और नेवलिन के साथ एक खेल खेलने लगता है, जिसमें टास्क था कि वो दीवार पर लगी पेंटिंग पर एक के बाद एक निशाना लगाएंगे। बेसिकली ये पेंटिंग नेवलिन के फादर की थी, जिसे कि नेवलिन पसंद नहीं करता था। अब जो भी उनके मुंह पर चाकू से वार करेगा और सही ठीक निशाना लगाएगा वो ये खेल जीत जाएगा। वहां पर गेराल्ट का निशाना चूक जाता है, वो अगेन ट्राई करता है मगर फिर भी उसका निशाना नहीं लगता, जिस
पर नेवलिन उसे लूजर कहता है, मगर तभी गेरोल्ट एक फेंक कर मारता है चाकू और सीधा अंकल जी के सर में लगता है, जिस पर गेरोल्ट बताता है कि मैं चाहता तो कब का मार सकता था लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहा था। वही जब सीरी रूम में सो रही होती है तो छत की दीवार से एक लड़की निकलती है जो कि उल्टी चलकर सीरी के पास आ जाती है। इसका नाम होता है वेरीना, जो कि उसे नींद से जगाकर उसे कहती है कि वो उससे मिलने के लिए आई है। वेरीना सीरी को बताती है कि नेवलिन उससे प्यार करता है और वो एक मैजिकल क्रीचर है, उसने अपने मैजिक से उसे यहाँ पर बांध रखा है। वो बस गेरोल्ट से छिप रही थी क्योंकि अगर गेरोल्ट उसे देखता तो जान से मार डालता, जिसके बाद वेरीना अपने जादू से सीरी को वहीं पर सुला देती है। यहाँ पर गेरोल्ट अगेन उस गाँव में आ चुका था ताकि उस मॉन्स्टर की जो उसे इंडिकेशन मिली थी वो उसे खत्म कर पाए। तभी उसे वहां पर व्यापारी और उसकी फैमिली की पड़ी लाशें दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वो भाग कर अगेन हवेली में आता है और सीरी को उठाता है और कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। इस घर में ब्रुक्सा नाम की एक मॉन्स्टर रहती है जो कि एक्चुअल में वेरीना ही होती है, और इतना कहने के साथ ही गेरोल्ट अपना पोशन पीता है। एक तरीके से इसे एक एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं जो कि गेरोल्ट को उनसे भी जॉइंट से लड़ने की ताकत देता है। वह ऐसा करने पर उसकी आंखें काली हो जाती है और उसकी वेन्स दिखने लगती है, जिसके बाद वो नेवलिन के रूम में जाता है जहाँ पर वो ये देख पाता है कि इस वक्त वेरीना नेवलिन का खून पी रही थी। और जैसे ही गेरोल्ट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो जोरदार चिल्लाती है और गेरोल्ट पीछे की दीवार से टकराता है, जिसके बाद वो अपने पास ही पड़े एक भाले को उठा लेता है। दमा इन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट दिखाई जाती है। एक वक्त तो ऐसा था जहाँ पर वेरीना उसके ऊपर हावी हो रही थी, मगर गेरोल्ट अपने मैजिक की मदद से उसे अपने आप से दूर कर देता है। अभी तक सीरी को नहीं पता था कि वेरीना ही वो मॉन्स्टर है, इसलिए वो तो उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, मगर गेरोल्ट उसे मना कर देता है कि इस लड़की से दूर रहना, जिसके बाद वेरीना अगेन गेरोल्ट के ऊपर चिल्लाती है, मगर गेरोल्ट उसे अपनी सिल्वर स्वॉर्ड से रोक लेता है और उस पर जोरदार अगेन वार करता है, जहाँ पर वो दूर पीछे जाकर गिरती है। और इसके बाद में दिखाई देता है उसका असली रूप, वो थी एक बहुत ही बड़ी चमगादड़। ये सब कुछ देखकर सीरी काफी डर चुकी थी। गेरोल्ट उसे रोकने की काफी कोशिश करता है मगर वो उड़कर वहां से निकल जाती है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो हर बार गेरोल्ट के आसपास से निकल रही थी और वो उसे देख नहीं पा रहा था, मगर गेरोल्ट भी काफी चालाक था और वो अपनी तलवार की चमक से अपने पीछे से आती हुई वेरीना को देख लेता है और उस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे कि वेरीना लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ती है, जिसके बाद वो अपने इंसानी रूप में आ जाती है। अब हालांकि वो इस वक्त नेकेड होती है, इसी वजह से सीरी आकर उस पर अपने कपड़े ढक देती है, मगर फिर भी वेरीना अपनी चालाकियों से बाज नहीं आती है और वो सीरी का गला पकड़कर गेरोल्ट से कहती है कि अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं इसे जान से मार दूंगी। मगर इतने में ही पीछे से नेवलिन आ जाता है और वो भाला वेरीना के शरीर के आर पार कर देता है, जिसके बाद तो वेरीना अपना हाथ और साथ ही अपना गला पीछे की ओर मोड़ लेती है और नेवलिन से कहती है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, अगर नेवलिन उसका नहीं हुआ तो वो उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। मगर तभी मौका पाते ही गेरोल्ट अपनी सिल्वर स्वॉर्ड से उसका गला काट देता है और ऐसा करते के साथ ही उसकी बॉडी खुद ब खुद जलने लगती है। और देखते ही देखते नेवलिन भी अगेन इंसान में बदल जाता है क्योंकि उसका वो श्राप टूट चुका था। गेरोल्ट उससे पूछता है कि आखिर ये सारा क्या माजरा था, जहाँ पर नेवलिन बताता है कि एक दिन वेरीना उसे जंगल में मिली, वो काफी ज्यादा घायल थी, वो उसे अपने हवेली में लेकर आया और इसी बीच उनको प्यार हो गया। अब क्योंकि नेवलिन को तो श्राप मिला था, वो कभी मर नहीं सकता था, वो एक इमॉर्टल था, अपनी भूख मिटाने के लिए वेरीना जब भी उसका खून पीती वो अगेन अगले दिन ठीक हो जाता, इस सब से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो गेरोल्ट कहता है कि श्राप को तोड़ने का बस यही एक तरीका था, जहां पर नेवलिन को एक लड़की से प्यार करना था और उसे पाने के लिए अपने पुराने प्यार को कुर्बान करना था जो कि अब हो चुका था। मगर साथ ही साथ नेवलिन एक और बात बताता है कि उसने मंदिर की पुजारण के साथ रेप किया था, मशरूम वाली बात झूठी थी, इसलिए गेरोल्ट तुम मुझे भी जान से मार दो। लेकिन गेरोल्ट कहता है कि अब तुमसे तुम्हारी इमोर्टैलिटी जा चुकी है, तुम खुद भी अपने आप को मार सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है येनिफर और फ्रिंजिला पर, जो कि इस वक्त जंगल में अकेली होती है और वहीं पर कोई एक दूसरा मॉन्स्टर आकर उनके आसपास मौजूद सारे सैनिकों को मारने लगता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर इसके आगे आने वाले एपिसोड्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।